वाली बाइक में आज इस पे सवारी होने वाली है। एक इस पे ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूर्ति है, देख बिल्कुल हिली नहीं रही है। देख सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो गाइस अब सुबह हो गई, रात को बड़ा लेट सोए थे, अब सुबह लेट उठे, अब जल्दी से निकल रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ा आज जयपुर घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और मैं जा रहा हूँ, नरेश जा रहा है, दो फ्रेंड हो रहे हैं वो जा रहे हैं। ये देखो एक से तो आपको मिलवा देता हूँ, ये मेरा दूसरा फ्रेंड ऋषभ आए तो कर दे। चलो भाई बाइक आज इस पर सवारी होने वाली है। एक इस पर और कौन सी नरेश आई है, ये वाली मजा आएगा तो। यार इसकी तो आवाज़ ही बड़ी प्यार मस्त लगती है यार, बुलेट के ना तो गाइस बने रहिए वीडियो में, बाकी आगे आपको दिखाते हैं। रेडी गाइस, रेडी चलो चलते हैं। तो गाइस अब आ चुके थे और सुबह आते ही इसने पता नहीं ऋषभ को कुछ बाइक में कुछ करवाना था, बहुत टाइम लग गया यहाँ पे, दो बज गए। अब बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ खिला के तो लाया नहीं, अब फाइनली ये लाया है यहाँ पे एक स्ट्रीट फूड। क्या था, स्ट्रीट फूड खिलाऊंगा तुम्हें। देखो भाई ये एल्बर्ट हॉल के सामने खिला रहा है ये स्ट्रीट फूड, ये भाई खा ले खा ले, आगे तो देख टेस्ट कर, ये इससे पेट भर जाएगा मेरा। अरे और भी है तो गाइस खा लो, गोलगप्पे खा लो जिसको खाना है। तो गाइस अब बाहर हम खा रहे थे गोलगप्पे तो अब खा लिया। अब पीछे ना इसके पीछे एक जू था, तो इन्होंने कहा कि जू में होके आते हैं तो जंगली जानवर देखने आए हैं, जंगली जैसे जानवर जैसे खुद तो है और देखने है तो उसमें घर में हमारे। ये एल्बर्ट हॉल के सामने ही है ये वाला जो जू है ना, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रुको। तो गाइस ये है प्रॉपर डायरी का, अरे ये प्रॉपर डायरी के सामने इतने सारे बाघ हैं, शांत पड़े हैं, दो बोरे एक गेरा एक गेरा। ये रहे एलिगेटर, देख शांत पड़े हैं बिल्कुल। इनमें फर्क ये होता है कि इनका मुंह का साइज देखो छोटा और मतलब लुकी रंग टाइप होता है, मगरमच्छ का चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। तो गाइस पहले आज ये तो पहले इन्होंने पूरा ही दिन लगा दिया पूरा वहाँ पे, पता नहीं बाइक वाइक का क्या करवा रहे थे, और अब पूरी दोपहर ये चिड़ियाघर में गए जू में। खैर जू ठीक है, मेरे को भी ठीक ही लगता है, इनको भी अच्छा लगता है, तो देख लेते हैं थोड़ा, बहुत टाइम से जानवर नहीं देखे थे, आज देख लेते हैं। ये कौन सी प्रजाति है जानवरों की, ये लिख रखा है इस पर कौन सी प्रजाति, गिद्ध के बराबर देख ले, अपने पंखों को अरेंज कर रहे हैं, अपने पंखों को अरेंज कर रहे हैं, साफ भी कर रहा है। ये देखिए सामने पिंक कलर, कलर बड़ा प्यारा है यार इनका पिंक। तो गाइस ये बड़े वाले घड़ियाल है, वो आपको दिखाए थे, छोटे थे ये बड़े हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूर्ति है, देख बिल्कुल हिली नहीं रही है, देखिए जिसका मुंह खुला हुआ है, लेकिन अभी इनमें से एक हिला था, तो ये रियल है भाई।
मतलब कोई बंदा बेचारा सोच के गलती से साइज देखेंगे पूछ होगा कोई देख ही नहीं सकता ऐसे जंगलों में अगर ऐसे रहते होंगे ना तो कोई देख ही नहीं सकता ये तो बिल्कुल मूर्ति लग रहा है बिल्कुल सारे के सारे यह है शेरों का म्यूजियम जो पहले शेर भी रहते थे यहाँ पर लेकिन उन्हें शिफ्ट कर दिया गया यहाँ से स्पेसी मैंने मतलब कभी सब जिंदा थे लेकिन जब ये मर जाते हैं ना तो इनके अंदर स्टफ में गड़ जाती है केमिकल्स के ताकि इनकी खाल और बॉडी ऑर्गन्स वगैरह खराब नहीं होते अंदर के सारे ऑर्गन्स वगैरह तो सब निकाल दिए जाते हैं अंदर है ना केमिकल सीमेंट टाइप भर देते हैं और जो इनकी स्किन है उस पर केमिकल टाइप रहती है ताकि खराब साइज देखो इनके वो देखो तो गाइस हमने वहाँ पे जो चिड़ियाघर था वो तो देख लिया उसमें कुछ खास तो देखने को मिला नहीं फिर यहाँ पे हम आए हैं बहुत ही अच्छी जगह सिटी पैलेस जो कि है जयपुर में इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊँगा अंदर जाके ये इसका एंट्रेंस गेट है सिटी पैलेस तो गाइस ये एंट्री है म्यूज़ियम के टिकट लेने के बाद कुछ ऐसा दिखता है अंदर से ये एंटर होते ही ऐसा है कुछ ऐसा घुसते ही तो कुछ ऐसा कठपुतली वाला नाच दिखाया था ये गेट्स आगे पिंक कलर का इसके अंदर जाते हैं छोटे छोटे शॉप्स हैं यहाँ पे वाओ कितना प्यारा प्यारा गाइस देखो तो सही ये म्यूजियम है ये सिटी पैलेस का म्यूजियम है गाइस बाकी अगर आपको ये दिखाऊं ये जो पीला कलर का दिख रहा है आपको तो ये घर है जो ये वंशज थे ना ये राजपूत पहले के वो आज भी रहते हैं इसमें I grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but I didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place See, cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself तो गाइस आप जैसे देख सकते हो ये महाराजा सवाई जय सिंह है ये थे जो मेन थे जिन्होंने बनवाया था पहले के टाइम पे ही रहते थे आमेर के फोर्ट में आमेर का किला है जो वहाँ पे रहते थे लेकिन वहाँ पे ना पानी की कमी हो गई थी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उन्होंने वहाँ से छोड़ के फिर ये यहाँ गए जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो सिटी पैलेस है ना ये जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है भाई जैसे कि आप देख लो ये है पूरा सिटी पैलेस ये इसका कुछ पार्ट खोल के रखते हैं जैसे ये म्यूज़ियम एज अ म्यूज़ियम के लोग देख सके बाकी ये जो मेन पार्ट है ये इसमें जाने की परमिशन है नहीं लोगों को क्योंकि यहाँ पे आज भी जो वंशज हैं उनके वो रहते हैं बाकी जो जो कुछ पार्ट खोल रखे हैं वो इन्होंने म्यूज़ियम एज अ म्यूज़ियम जो लोग देख सकते हैं इसलिए खोल रखा है देखो इसमें लिख रखा है प्राइवेट क्योंकि ये अंदर है जिसके इतने भी जो रूम्स वगैरह इसमें जाना अलाउ ही नहीं है ये सब यूज़ में होते हैं यूज़ लेते हैं ये जो सिटी पैलेस है कच्छा जो वंश के राजपूत थे उनका है और महाराजा जय सिंह ने इन्हें बनाया था जैसे कि आपको बताया मैंने कि आमेर से आने के बाद आमेर से आके वो यहाँ रहे थे तो इसलिए उन्होंने बनाया था ये अपने लिए
और इसमें आज भी जो है उनके वंशज हैं वो रहते हैं, वो जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया वो महल उसमें रहते हैं। यहाँ के जो आज जिनका राज्याभिषेक हुआ है वो भी हैं महाराजा पद्मनाभ सिंह, जो कि अभी यंग एज में ही है ऑलमोस्ट। भाई मैं जिनके बारे में आपको बता रहा था कि जो देखो ये जो है ना ये ओनली इनकी 22 साल उम्र है और यंग एज है, तो ये अभी यहाँ के राजा माने जाते हैं। इनका अभी राज्याभिषेक हुआ था थोड़े दिन पहले, लेकिन ये अब रहते हैं लंदन में। और ये जो है ये राजमाता है, ये दावा करते हैं ये फैमिली की जो श्री राम जी थे उनके वंशज, जो उनके बेटे थे कुछ, ये उनके वंशज हैं और 309वीं पीढ़ी है ये उनकी। इनका नाम राजमाता का नाम महारानी पद्मिनी था, मतलब है अभी भी। तो गाइस ये जितने भी पहले के राजा महाराजा हैं जिनके आज अपने जो फोर्ट बचे हुए हैं ना, वो उन्होंने ऐसा ही किया, आधे में वो खुद रहते हैं और आधा उन्होंने हेरिटेज बना दिया, म्यूज़ियम बना दिया। तो जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, ऐसी उदयपुर का फोर्ट है वहाँ पे भी ऐसी कुछ होता है। और यही था यहाँ पे तो थोड़ा बहुत तो जो दिखा दिया आपको, बाकी इसमें पूरा जो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही पार्ट है जो लोगों के लिए, बाकी प्राइवेट बना रखा है इन्होंने, जाने नहीं देते उसके अंदर, ये खुद रहते हैं, मतलब जो वंशज हैं उनके, जिनके आपको फ़ोटो दिखाई थी मैंने उसका, उनका पूरा परिवार रहता है यहाँ। ये एक और पार्ट है यहाँ का जो अलाव है हमें घूमने के लिए, आर्मरी है, आर्मरी इधर है, पहले के शस्त्र अस्त्र रखे हुए हैं। इन्हें तो बड़ा शौक है, ये हमारे ऋषभ है ना, इसे बड़ा शौक है आर्मरी वगैरह का। तो पूरा यहाँ पर टाइम टेबल लिखा हुआ है जयपुर में जितने राजाओं ने राज किया था। ये फिर से इनकी फोटो है जो परिवार जहाँ पे रहता है। ये देखो भाई पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था, जिस रास्ते से अभी मार्केट से हम आए ना, जो आज चौड़ा रास्ता के नाम से जानी जाती है, उस पर पहले ऐसे थे राजाओं की ऐसे सवारी निकाली जाती थी, लोग ऐसे रहते थे। कितनी बढ़िया पेंटिंग है। और ये अंदर आर्म्स वेपन वगैरह जो पहले के जितने भी यूज़ होते थे वो सारे यहाँ पे। सो गाइस अब सिटी पैलेस भी घूम लिया, अब बाहर निकल के सिटी पैलेस देख के अब भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से, तो कुछ खाने के लिए देखते हैं। और देखते हैं अभी ऋषभ का कुछ बाइक का भी करवाना है, फिर कुछ खाएंगे यार, आज तो बहुत थक गए, बस कुछ खा के फिर निकलते हैं घर के लिए। सो गाइस अब हम घर पे आ चुके हैं, खाना खा लिया सब कुछ होके अब पहुंच गए, ऑलमोस्ट 8-9 बजे तक पहुंच गए थे। तो अब आपसे मिलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार।